सो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। एंड इक्वेशंस इस लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानेंगे, केमिकल चेंजेस के बारे में जानेंगे, केमिकल रिएक्शंस के क्या कैरेक्टर्स होते हैं। सो हमारे टॉपिक में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, जिसको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सब हम इसी लेक्चर में नहीं करेंगे, हम कुछ चीज़ें आगे बढ़ाएंगे, बट ये इस टॉपिक में हमें किस किस के बारे में जानना है हम वो जानेंगे। सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल चेंज के बारे में कुछ जानेंगे इस चैप्टर में। देन हम कैरेक्टर्स पता लगाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इट्स एग्जाम्पल्स। देन हम बैलेंसिंग सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है या बैलेंस क्यों किया जाता है, इस सब बारे में बात करेंगे हम लोग। फाइन, जब ये टॉपिक यहाँ तक हो जाएगा तो समझ लीजिएगा कि हमारा चैप्टर हाफ ख़त्म हो चुका है। रिमेनिंग हाफ में हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स एग्जांपल्स, इनको देखेंगे। देन टाइप्स के बाद हम दो प्रोसेस पे और बात करेंगे जो कि टाइप का ही फर्दर सब पार्ट है। इसमें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन भी होगी, उसके ही सब पार्ट्स हम करेंगे। हम कोरोजन करेंगे टॉपिक, जिसमें हम आयरन की बात करेंगे स्पेसिफिकली इस चैप्टर में। वैसे और भी चीज़ों की बात की जाती है बट वो रिमेनिंग बातें कोरोजन के और फर्दर एग्जाम्पल्स जो होंगे वो हम मेटल एंड नॉन मेटल्स में देखेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ आयरन की बात करेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसको कोरोजन रिएक्शन भी कहा जाता है, जो कि रिडॉक्स का ही पार्ट है। एंड दूसरी चीज हम रेंसिडिटी के बारे में बात करेंगे। फाइन, सो ये हमारा हाफ पार्ट होगा, ये रिमेनिंग हाफ होगा। चांसेस हैं फोर लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएगा, थ्री या फोर लेक्चर्स लगेंगे इस केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को अच्छे से समझने में। तो अब से थ्री या फोर लेक्चर्स थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर ये पर्टिकुलर चैप्टर आपने अच्छे से समझा तो बेटा आपकी केमिस्ट्री आसान हो जाएगी। बहुत लिंक्ड अप है, बहुत लिंक्ड अप है चीज़ें जो मैं आपको केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में कराऊंगा। इसके बाद एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में आप कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे जो आपने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में पढ़ी होंगी। फाइन, फिर एसिड बेसिस सॉल्ट्स में जो हम करेंगे उसको हम मेटल नॉन मेटल में उसका बेनिफिट उठाएंगे। मेटल नॉन मेटल में हम उन दोनों को रिकॉल कर पाएंगे जो हमने फर्स्ट टू चैप्टर्स में सीखा होगा। और मेटल नॉन मेटल सीखते सीखते तो हमें ऐसा लगेगा कि आगे हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो एक तरह से रिविजन ही हो रही है। लाइक सेम चीज़ 20% 30% 40% 50% रिपीट हो रही है, तो एक तरह से टॉपिक्स भी आगे बढ़ते जाएंगे और रिवाइज़ भी होता जाएगा। लेकिन रिवाइज़ कोई चीज़ इंसान तब करता है जब वो उसको पहली बारी बहुत अच्छे से पढ़ लेता है, तो दूसरी बारी शब्द यूज़ करता है रिवाइज़ का। अगर आपने पहली बारी में ही इस केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पे अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो समझेंगे आप कि आप फिर दोबारा एसिड बेसिस सॉल्ट्स में जो पढ़ रहे हैं वो कुछ नया है। फिर जो एसिड बेसिस सॉल्ट्स में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मेटल नॉन मेटल में आपको सब कुछ ही नया लगेगा। ऐसे करके आपको हर एक चैप्टर ही बेटा अलग लगेगा। कोशिश करिए चीज़ों को लिंक करना, आज से ही शुरू करिए, ये चैप्टर से ही शुरू करिए, सो दैट आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा वास्ट या बहुत ज़्यादा अलग ना लगे। फाइन, आप चीज़ों को लिंकअप कर पाएंगे तो बहुत अच्छे से हम लोग 10th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री सीख पाएंगे। कार्बन कंपाउंड्स थोड़ा सा अलग है, इन तीनों से थोड़ा हट कर है, माइनर सा। फाइन, बट पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट फिर आपके पूरे केमिस्ट्री का एक तरह से कंक्लूजन बताएगा आपको कि किस चीज़ के बारे में आपने क्या कहा था फर्स्ट फोर चैप्टर्स में और क्यों कहा था, उसका रीज़न दिखाएगा आपको कौन, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो बेटा ये रहने वाला है सफ़र 10th क्लास के केमिस्ट्री का। आज हम शुरू करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसके अंदर ये सारे टॉपिक लाए करते हैं। ये हाफ लाइन है, यहाँ तक हाफ पोर्शन होगा, ये रिमेनिंग हाफ है। हम लोग पहले इस हाफ के बारे में बात करेंगे, सब कुछ इसी लेक्चर में बात नहीं करेंगे, हम कुछ इस लेक्चर में बात करेंगे, कुछ अगले लेक्चर के लिए छोड़ेंगे। फाइन, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो दोस्तों, ये चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में, इन आर डेली लाइफ
वी गो थ्रू सम प्रोसेसेस जिनको हम या तो केमिकल चेंज कहते हैं या फिजिकल चेंज। सो किसी भी ऐसे प्रोसेस में अगर कोई नया केमिकल सब्सटेंस ना बन रहा हो, कुछ भी नया ना बन रहा हो, तो हम उसे फिजिकल चेंज कहते हैं। सो इफ देयर इज नो केमिकल सब्सटेंस फॉर्म सच एज मेल्टिंग ऑफ आइस, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, डिसॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, इस तरीके के प्रोसेसेस को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं, फिजिकल चेंज। फाइन, जिसमें कोई नई चीज ना बन रही हो। बट कुछ ऐसे भी केसेस हमने देखे हैं, कुछ ऐसे भी प्रोसेस हमने देखे हैं जिसमें एक नई चीज उभर के निकलती है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल। आयरन अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देता है आफ्टर रस्टिंग, राइट? लाइक स्पेशली अगर एक रेनी सीजन के अंदर आप रखते हैं तो किसी भी आयरन को मॉइस्चर्स के प्रेजेंस में रखते हैं। सॉरिंग ऑफ मिल्क इन समर, राइट? अगर दूध आप बाहर रख देते हैं, फ्रिज में नहीं रखते हैं, तो दूध फट जाता है, ख़राब हो जाता है, वो भी एक केमिकल चेंज माना जाता है क्योंकि एक नया सब्सटेंस उभर के निकलता है। बर्निंग ऑफ कोक इन एयर, एज इन कोई भी कोल हो जो 100% कार्बन हो जाता है तो हम उसको कोक कहते हैं। कोक इज़ अ टर्म जब एक कोल में सिर्फ 100% क्या रह जाए, कार्बन। सो 90-95% जब कार्बन रह जाता है तो हम उसे कोक कहते हैं। उसको अगर आप एयर में बर्न करते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करता है, तो वो मास एनर्जी का रिलेशन जो फेमस आइंस्टाइन का है उसमें भी कन्वर्ट हो जाता है। बट ये भी एक तरह का केमिकल चेंज है। इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस लूजेस देयर नेचर एंड आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। तो ऐसा पर्टिकुलर प्रोसेस जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंस अपनी आइडेंटिफिकेशन या अपना नेचर लूज कर दे और एक नया सब्सटेंस हमें दे विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उसे हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज। क्या कहते हैं उसे हम लोग? केमिकल चेंज। और वो प्रोसेस जिसके थ्रू ये केमिकल चेंज अकर होता है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू ये केमिकल चेंज अकर होता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? केमिकल रिएक्शन। सो एक केमिकल रिएक्शन में लेट्स से ए और बी रिएक्ट करके सी एंड डी देते हैं। सो ए एंड बी विल बी नोन एज रिएक्टेंट्स। सो जो रिएक्ट करके हमें चीज़ देते हैं उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो नई चीज़ें हमें मिलती हैं सी एंड डी जिनकी कम्प्लीटली नई प्रॉपर्टीज हैं, न्यू सब्सटेंसेस हैं, दे आर नोन एज प्रोडक्ट, दे आर नोन एज प्रोडक्ट। फाइन। सो एक बर्निंग ऑफ कोक में, एयर में, ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन जो है वो रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन और कार्बन जो है वो क्या है? रिएक्टेंट। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें मिलता है उसके बाद, उसके बर्न होने के बाद, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो मिलता है हमें उसके बाद उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोडक्ट। यहाँ एक नोट करने वाली बात यह है दैट केमिकल रिएक्शन सिंपली इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। ये रीअरेंजमेंट ऑफ एटम वाली बात आप समझ सकते हैं अगर आपने लास्ट क्लास मेरी देखी है बेसिक केमिस्ट्री की। सो लास्ट क्लास में हमने बेसिक केमिस्ट्री में बात किया था कि किसी भी मैटर में एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रोल प्ले करता है, पार्ट लेता है, वो सबसे छोटा पार्टिकल इस दुनिया में कौन होता है? एटम। तो ये भी वही बता रहे हैं आपको कि केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं बस एक सिंपली रीअरेंजमेंट है एटम्स की। कोई पर्टिकुलर एटम किसी एक जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह जाके अटैच हो जाता है तो उस रीअरेंजमेंट की वजह से कम्प्लीटली एक नया सब्सटेंस उभर के आता है जिसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। यही होता है केमिकल रिएक्शन दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पे केमिकल रिएक्शन का, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। सो मैग्नीशियम रिबन को आप एयर में जब बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इन ऑर्डर टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब दोस्त ये लिखना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है अभी, क्योंकि आप पहली बार टेंथ में जब आ रहे हैं तो आज तक 9th स्टैंडर्ड तक कभी भी आपको केमिकल रिएक्शन लिखना नहीं सिखाई है। लेकिन यस, 9th स्टैंडर्ड में एक चीज़ सिखाई है जो आपको आती है जिसको हम कहते हैं फॉर्मूला मेकिंग। क्या कहते हैं? फॉर्मूला मेकिंग। तो मुझे पता है मैग्नीशियम एलिमेंटल फॉर्म में ऐसा है और एयर में ऑक्सीजन फॉर्म जो है वो ऑक्सीजन गैस है, दैट इज़ O2 के फॉर्म में है। ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो देखिए मैंने ये कैसे लिखा, इसको लिखना सिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर हम लोग जानते हैं 9th स्टैंडर्ड की हेल्प से, बेसिक से, कि Mg+2 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है आयन के फॉर्म में, राइट? सो इसका 2 इधर और इधर आता है और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करता है। फॉर्मूला मेकिंग में यही सीखा था आपने, तो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 किया वो 2 2 कैंसिल हो गया और ये क्या बच गया? मैग्नीशियम
ऑक्साइड, ये ऐसे लिखा मैंने, राइट। सो कौन रिएक्ट कर रहा है, किस फॉर्म में अवेलेबल है, वो चीज़ें जानने के बाद, रिएक्ट करने के बाद जो कंपाउंड बनेगा, वो कंपाउंड जो बनेगा वो आपके 9th स्टैंडर्ड के बेसिक्स में है। 9th स्टैंडर्ड अगर आपको अच्छे से आती है तो आपको ये फॉर्मूला मेकिंग ज़रूर आती होगी, फाइन, वो लिखना। अच्छा, ये जो फॉर्मेट मैंने लिखा इसको क्या कहते हैं दोस्तों, यही हमारे चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट है, ये पढ़ रहे हैं आप, इक्वेशंस। सो जब किसी केमिकल रिएक्शंस को, जब किसी केमिकल रिएक्शन को आप उसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, एटॉमिक सिंबल में, नंबर्स के साथ, ऐसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कोई अलजेब्रा परफॉर्म करके, ये एरो बना के, एरो मींस व्हिच विल गिव व्हाट, लिख के फिर दोबारा कोई फॉर्मूला प्रोडक्ट, इस फॉर्मेट में जब आप लिखते हैं सिंबल्स के फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज के फॉर्म में, एटॉमिक सिंबल्स के फॉर्म में, या फिर नंबर्स के फॉर्म में जब आप ऐसा लिखते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस को इस कदर रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको आप कहते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। जस्ट लाइक मैथ्स में होती है ना इक्वेशन, एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू 3, ऐसी ही एक इक्वेशन होती है मैथ्स में, राइट, उसको आप केमिकल इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने एलजेब्रिक कुछ परफॉर्म करके कुछ दिया। इसी तरीके से यहाँ पर केमिस्ट्री में भी कौन सा मॉलिक्यूलर, कौन सा एटॉमिक फॉर्म, किस तरीके से एलजेब्रा परफॉर्म करके हमें क्या दे रहा है, क्या देने की कोशिश कर रहा है, इस पूरे फॉर्मेट को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशंस, फाइन। सो केमिकल रिएक्शंस क्या है, केमिकल इक्वेशंस क्या है, ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आगे अगर मैं आपके लिए कुछ और केमिकल रिएक्शन यहाँ पर लिख के दिखाऊँ आपको, तो देखिए आपको समझ में आएगा। यहाँ नेक्स्ट हमारे पास यूज़ हो रखा है सेकेंड टाइप का रिएक्शन, रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। अब देखिए लेड नाइट्रेट, अगर किसी बच्चे की 9th स्टैंडर्ड क्लियर है तो उसको लेड नाइट्रेट लिखना आता होगा। सो लेड होता है +2 सिंबल एंड नाइट्रेट का होता है -1, फाइन। सो यहाँ पर आप इसका वैलेंसी जो है वो 2 और 1 यहाँ पर लिखेंगे एंड देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो आप देखेंगे फॉर्मूला बन जाएगा PbNO3 होल ट्वाइस, इसका 2 इसके ब्रैकेट के पैरों के नीचे जाएगा, सब्सक्रिप्ट में जाएगा, और इसका 1 यहाँ पर। नाउ लेड नाइट्रेट का अगर ये फॉर्मूला है, तो दूसरी चीज़ जो इन्होंने लिखी है वो लिखी है पोटेशियम आयोडाइड, राइट। यहाँ पर पोटेशियम का भी वैलेंसी 1 है, आयोडीन की भी वैलेंसी 1 है, तो 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा Ke। इन्होंने हमसे कहा है दैट इन दिस एग्जाम्पल रिएक्शन इज इन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, देयरफॉर यू नीड टू ऐड PbNO3 होल ट्वाइस +Ke। तो देखिए आप पहले यहाँ तक पहुँचना सीखिए कि कैसे आपको मॉलिक्यूल का नाम सुन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना आता है या नहीं आता है। देखिए अगर आपको ये नहीं आता है तो मान लीजिए मेरी बात आज ही कि आप बहुत दिक्कत में आने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड में। 10th स्टैंडर्ड में हर दूसरे चैप्टर में आपको फॉर्मूला मेकिंग आनी ही चाहिए, और इस फॉर्मूला मेकिंग को करने के लिए आपको कैटायंस और एनायंस के अलग अलग डायटॉमिक, पॉलीटॉमिक, मोनोएटॉमिक सिंबल्स आने चाहिए। सो कैटायन एनायंस का एक बॉक्स होता है जो 9th स्टैंडर्ड के NCERT में भी अवेलेबल है। अगर आप चाहेंगे तो अभी मैं अगले ही पेज पे वो बॉक्स भी अगर हो सकता है तो आपके लिए अपलोड कर देता हूँ। उन बॉक्स में आपके पास जितने भी सिंबल्स हैं, जितनी भी वैलेंसीज हैं, वो सब लर्न करिए, और जब वो लर्न हो जाएंगे तो ये नाम अपने दिमाग में ढूंढना शुरू करिए कि आपने उस बॉक्स में लर्न जब किया था तो इस नाम का क्या सिंबल था और उसके ऊपर क्या पावर थी। वो आप देखेंगे तो आप उसके नंबर्स नीचे लिख पाएंगे एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ऐसे फॉर्मूला मेकिंग कर पाएंगे। यहाँ तक पहले खड़े होना सीखिए कि नाम पढ़ के, मॉलिक्यूल का नेम पढ़ के आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना जानते हैं कि नहीं जानते हैं। फिर कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है उसके लिए तो खाली ऐड लिखना है, एंड देन एरो के बाद क्या आंसर आएगा ये सीखने के लिए आपको इस चैप्टर को पूरा सीखना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में आगे चल के आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सिखाई जाएंगी, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको बताएंगी कि कैसे इसको सॉल्व करना है। वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की नॉलेज है वो आगे की है, वो नॉलेज आगे की है, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पर कंप्लीट करके आपको बताता हूँ होगा क्या इसका आंसर। इसका आंसर होगा लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है, ये उसका फाइनल प्रोडक्ट है। बट ये प्रोडक्ट जो है वो अभी बैलेंस नहीं है, बैलेंसिंग हमारे आगे का टॉपिक है। जैसा मैंने आपको कहा था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, उसमें एक शब्द आपने बैलेंसिंग भी पढ़ा होगा। लेकिन यस, ये नॉर्मल एक रिएक्शन है जिसमें एक दो रिएक्टेंट्स हैं और दो प्रोडक्ट्स हैं, दो रिएक्टेंट्स हैं और दो प्रोडक्ट्स हैं। इन दो रिएक्टेंट्स के नाम से मैंने इनके फॉर्मूलाज बनाए हैं और उनको मैंने यहाँ लिखा है।
एंड प्रोडक्ट कैसे देना है ये मुझे अभी आता है, आपको नहीं आता है, मैं फिर बोल रहा हूँ ये प्रोडक्ट कैसे देना है। अगर आपको यहाँ पर ये दिखाई दे के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, डर लग रहा है कि मुझे तो समझ में नहीं आया, तो अभी मैंने समझाया ही नहीं बेटा, तो समझ कहाँ से आएगा, इसलिए डरिए मत। ये प्रोडक्ट कैसे लिखना है ये आगे की चीज़ है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की चीज़ है। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिख दिया है यहाँ पर एक कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीट इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, इस केमिकल रिएक्शन जो हो रही है इसके बीच में, कि क्या ये चैप्टर आपसे क्या क्या डिमांड करता है, कैसे कैसी नॉलेज आपसे डिमांड करता है, ये मैंने कम्प्लीटली इसलिए लिख दिया। वैसे ही मैं सिमिलरली थर्ड रिएक्शन लिख रहा हूँ, रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जेड एन प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के ब्रैकेट में आपने देखा है कि या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी काम चला सकता है, बट मैं सल्फ्यूरिक एसिड से चला रहा हूँ काम। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला सबको नोन होता है, H2SO4, लेकिन अगर कोई कहता है कि ये बना कैसे मुझे नहीं पता, तो वही तरीका है, H+1SO4-2, ये 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई और इनका आंसर आ जाएगा H2SO4, पावर हट जाती है वहाँ से, राइट। ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे बेटा तो आंसर आएगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। मैं फिर कह रहा हूँ आपको नहीं पता कि ये आंसर क्या आएगा, ये आंसर अभी नहीं सिखाया मैंने कि कैसे पता लगाते हैं कि क्या आएगा, कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में है, लेकिन टाइप्स के बिना मैंने फिर भी ये रिएक्शन पूरी इसलिए लिख दी ताकि केमिकल रिएक्शन एक मैं कंप्लीट आपको दिखा सकूं कि किस फॉर्मेट में लिखी जाती है। एग्जांपल्स में यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप की चीज़ें गिवन है, मैंने उसको ही वर्ड प्रॉब्लम को एक इक्वेशन का फॉर्म दे दिया, फाइन, सिंबल्स और मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज की मदद से एक इक्वेशन का नाम दे दिया। ये इस चैप्टर की डिमांड है। सो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में अभी तक आपने क्या सीखा है कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में फ़र्क क्या होता है, ये आपने नहीं सीखा है। मैं अब जस्ट आपको यही सिखाने वाला हूँ कि फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में फ़र्क क्या होता है। देन उसके बाद आपने रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये देखा है, और कैसे पता चलता है कुछ कुछ एग्जांपल्स कि हाँ एग्जैक्टली होता क्या है जब हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है। एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसकी कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं अपने रिएक्टेंट से कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्रोडक्ट की। एक कम्प्लीटली न्यू तरीके का सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब मैं आपको बताने वाला हूँ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में फ़र्क। ये 9th स्टैंडर्ड की बात है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में फ़र्क, लेकिन आप फिर भी सीख लीजिए सो दैट आपको समझ में आए कि इनके बीच में क्या फ़र्क है, सो दैट कल को कोई क्वेश्चन आता है ये आपसे पूछता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन कौन से प्रोसेस फिजिकल चेंज है और कौन कौन से केमिकल चेंज है, तो आप बताने के लायक बन पाए। जैसे ही हम वो चेंजेस कर लेंगे फिर हम बढ़ेंगे कैरेक्टर्स के ऊपर कि ऐसा रिएक्शन में क्या क्या कैरेक्टर्स जो होते हैं रिएक्शन के, या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम नोटिफाई कर सकते हैं, जिनको जानने के बाद हम ये अपने कंफ्यूजन पे पहुंच सकते हैं कि हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, हम किसी फिजिकल चेंज की नहीं, हम एक केमिकल चेंज की बात कर रहे हैं। ये केमिकल चेंज की बात कर रहे हैं डिसाइड करने के लिए हमें उसके कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, और वो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं जिनको हमें ढूंढना है उस पर्टिकुलर चेंज में। अगर उनमें से एक भी कैरेक्टर दिखता है या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स दिखते हैं तो हम मान लेंगे वो केमिकल चेंज है या केमिकल रिएक्शन है, और अगर एक भी कैरेक्टर नहीं दिखता है तभी जाके हम बोलेंगे कि वो फिजिकल चेंज है या फिजिकल प्रोसेस है, फाइन। सो अब आप केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज के एक बार ये डिफरेंस देख लीजिए ताकि हम फिर आगे बढ़ सकें कैरेक्टर्स के ऊपर। केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज मैं फिर बोल रहा हूँ इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है, लास्ट ईयर का बात है ये, लास्ट ईयर इज मैटर ऑन दिस चैप्टर था, इज मैटर ऑन दिस प्योर चैप्टर था, उसमें हमने सीखा था। मैं फिर भी यहाँ पर मैंशन कर रहा हूँ आपके लिए केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज के बीच में डिफरेंस, ओके। सो दोस्तों यहाँ पर फिजिकल चेंज में हमें जानने को मिलता है कि इस तरीके के चेंज में कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशंस में चेंजेस नहीं आते हैं। फिजिकल चेंज इज़ अ चेंज ऑफ मैटर दैट अकर्स विदाउट चेंजिंग द केमिकल कॉम्पोजिशन। मतलब पानी में अगर आपने शुगर को डिसॉल्व करने की कोशिश की तो वाटर के केमिकल कॉम्पोजिशन H2O में कोई फ़र्क नहीं आएगा, या शुगर के केमिकल कॉम्पोजिशन C12H22O11 में कोई फ़र्क नहीं आएगा। वेयर एज इन दिस केमिकल चेंज देर इज़ अ चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन, बिल्कुल केमिकल कॉम्पोजिशन का चेंज होता है, फाइन। यूजुअली ये रिवर्सिबल होते हैं प्रोसेस, लेकिन ये इरिवर्सिबल होते हैं। फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, फिजिकल प्रोसेस से रिवर्स हो जाते हैं, ये फिजिकल प्रोसेस से रिवर्स नहीं होते हैं। इफ़ यू वांट टू रिवर्स इट तो आपको एक केमिकल प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा जो फिजिकल प्रोसीजर से थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है। ये किसी भी लेमैन के लिए बहुत ही ईजिली अचीव करना है, लेकिन ये कोई भी लेमैन यू नहीं कर सकता विदाउट लैब्स की हेल्प से, फाइन। न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, न्यू प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड इन दिस फिजिकल चेंज, देर इज नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, वेयर एज इन दिस केमिकल चेंज देर इज अ न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, फाइन। सम चेंजेस अकर व्हेन हीटिंग और कूलिंग इज डन, मतलब आप बहुत ही स्मॉल अमाउंट का हीट
और लाइक हीट का लॉस या हीट का एब्जॉर्ब देख सकते हैं स्मॉल अमाउंट का, बट इसमें एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी बहुत हाई अमाउंट में होती है. इसमें हीटिंग एंड कूलिंग की जाती है एक्सटर्नली, इसमें प्रॉपरली वो हीट और कूल को एनर्जी को एब्जॉर्ब या रिलीज करता है. एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो हीट होता है, और एनर्जी को रिलीज करता है तो कूल होता है. केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं, बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफर होते हुए दिखती है, यहाँ पर नहीं दिखती होती. चेंजेस हैव नो इफेक्ट्स ऑन केमिकल बॉन्ड्स. केमिकल बॉन्ड्स के ऊपर इस तरीके की चेंजेस का, फिजिकल चेंजेस का कोई इफेक्ट नहीं होता, राइट? वेयर एज केमिकल चेंज का तो मतलब ही है कि सीधा डायरेक्ट इफेक्ट देख सकते हैं हम केमिकल बॉन्ड्स में चेंजेस, मॉलिक्यूल्स में चेंजेस. सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज में या बॉन्ड्स में जो चेंजेस हैं केमिकल चेंज में, हमें डायरेक्ट उसी के ऊपर ही इफेक्ट दिखता है. फाइन, ये आपका बेटा एक फिजिकल चेंज वर्सेस केमिकल चेंज का एक बेसिक डिफरेंसेस थे, इनको ध्यान में रखिएगा. अब हम आगे चलते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं. सो दोस्तों, ये पांच कैरेक्टर हैं जिनसे आप कभी भी अगर मुलाकात हो इन पांच कैरेक्टर्स से किसी भी तरीके के प्रोसेस में, तो आप समझ जाइएगा कि वो प्रोसेस केमिकल प्रोसेस है, वो केमिकल चेंज है. इन पांच के पांच से मुलाकात हो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी एक से भी मुलाकात होगी तो भी मैं कहूँगा केमिकल चेंज है, और एक से ज़्यादा लोगों से मुलाकात होगी तो भी मैं कहूँगा केमिकल चेंज है. हाँ, कोई ऐसा चेंज, कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें ये पांच में से एक भी मुझे दिखाई ना दे तो मैं मानूंगा कि वो फिज़िकल चेंज है, वो फिज़िकल प्रोसेस है. सबसे पहला प्रोसेस दोस्त, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें दिखाई दे प्रेसिपिटेट बनता हुआ. फाइन, उस रिएक्शन को हम कहते हैं केमिकल चेंज. जैसे कि अभी अभी हमने जो रिएक्शन लिखी थी, मैं फिर दोबारा लिख रहा हूँ, वो यहाँ पर एग्जांपल भी है आपके पास लेड नाइट्रेट का. लेड नाइट्रेट, अभी फॉर्मूला कैसे आया, ये फॉर्मूला मैंने कैसे लिखा, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले. आप देख सकते हैं कि कैसे आप भी ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये 9th स्टैंडर्ड की नॉलेज है. लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, दैट इज KI, विल गिव यू लेड आयोडाइड. अगेन, लेड आयोडाइड का फॉर्मूला ऐसे कैसे लिखते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सिखा चुका हूँ मैं, 9th स्टैंडर्ड की नॉलेज है तो इसमें कन्फ्यूज ना हो. प्लस पोटेशियम नाइट्रेट. फाइन, दूसरा एक ऐसा और रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, सिल्वर नाइट्रेट, दैट इज AgNO3. सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड विल गिव यू सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट. नाउ इन दोनों ही रिएक्शन में ये देखने वाली बात है कि ये यहाँ पर येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है. PPT के फॉर्म में लिखते हैं बेटा हम लोग प्रेसिपिटेट को, और इस प्रेसिपिटेट का कलर येलो है, और यहाँ पर ये वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है. अगेन, वाइट कलर है प्रेसिपिटेट को, PPT के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में. सो ये प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हुए हैं. अगर ये ऐसे कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं किसी रिएक्शन में, तो आप समझ जाइएगा कि वो कैरेक्टर शो कर रहा है किसी केमिकल रिएक्शन का, तो वो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है. क्या होता है ये प्रेसिपिटेट? एक्चुअली इसके ही आगे, अगर आप मुझे टॉपिक में थोड़ा आगे बढ़ने देंगे, तो आगे बढ़ के मैं आपको एक जगह सिखाने वाला था कि कैसे हम किसी भी इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, कैसे हम किसी भी इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं, राइट? सो इन्फॉर्मेटिव बनाता हूँ मैं इस इक्वेशन को आपके लिए, तब आप समझ पाएंगे कि प्रेसिपिटेट क्या होता है. यहाँ पर AQ लिखूँगा, इसके ब्रैकेट में भी AQ लिखूँगा, इसके ब्रैकेट में भी AQ लिखूँगा. सिमिलरली नीचे इधर भी AQ लिखूँगा, इसके ब्रैकेट में भी AQ मेंशन करूँगा, और इसके ब्रैकेट में भी AQ मेंशन करूँगा. लेकिन इनके ब्रैकेट में मैं एक डाउनवर्ड्स एरो मेंशन करूँगा, डाउनवर्ड्स एरो. अब जो भी मैंने ब्रैकेट में लिखा उसका मतलब समझेंगे, तभी समझ में आ जाएगा कि प्रेसिपिटेट होता क्या है. देखिए, AQ का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में है, ये भी लिक्विड फॉर्म में है. लिक्विड और लिक्विड जब मिलेगा तो एक लिक्विड तैयार होना चाहिए. तो देखिए, ये एक लिक्विड फॉर्म आ रही है प्रोडक्ट में, ये भी एक लिक्विड फॉर्म आ रही है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म नहीं है. ये डाउनवर्ड एरो का मतलब है ये कोई भारी चीज़ है जो कि ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ जा रही है, बीकर में नीचे की तरफ सेटल डाउन हो रही है. ये सॉलिड फॉर्म में होती है बेटा, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही सॉलिड फॉर्म में होते हैं और नीचे की तरफ सेटल डाउन होते हैं. इस सॉलिड पार्टिकल जो नीचे की तरफ सेटल डाउन होता है रिएक्शन में, जिसमें एक्वस सॉल्यूशंस रिएक्ट करके एक सॉलिड फॉर्म में प्रोडक्ट बना देते हैं, तो वो होता है प्रेसिपिटेट. दोस्तों, जब भी ऐसा कुछ होता है आप समझ जाइएगा वो क्या है, प्रेसिपिटेट.
सिमिलरली यहाँ पर भी वही एक्वस सॉल्यूशन, मतलब लिक्विड फॉर्म में रिएक्ट हो रही थी चीज़ें, एक लिक्विड फॉर्म भी मिली मुझे एक्वस सॉल्यूशन में, सोडियम नाइट्रेट मिला मुझे, लेकिन साथ ही साथ सॉलिड फॉर्म जो नीचे सेटल डाउन हुई थी, एरो डाउनवर्ड्स यही शो कर रहा है कि ये एक प्रेसिपिटेट है, सॉलिड फॉर्म है, फाइन। तो जब भी ऐसा कुछ एरो दिखे या प्रेसिपिटेट जैसा शब्द लिखा हो दिखाई दे, समझ जाना ये सॉलिड फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी को कहते हैं प्रेसिपिटेट। दूसरी चीज, मैं सेकेंड कैरेक्टर स्टिक को छोड़ के सीधा थर्ड कैरेक्टर पे आना पसंद करूँगा, राइट, थर्ड कैरेक्टर पे, क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर को समझने के बाद जो मैंने उसकी रिएक्शंस लिखी, इसके बाद अगर थर्ड कैरेक्टर को हम सीधा पढ़ेंगे तो इसी रिएक्शन का हम फिर से इस्तेमाल कर पाएंगे। थर्ड कैरेक्टर है कि किसी भी रिएक्शन में कलर का चेंज होना, किसी भी रिएक्शन में कलर का चेंज होना। तो क्या होता है, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें रिएक्ट होने से पहले कलर कुछ और था और रिएक्ट होने के बाद कलर कुछ और मिला हमें, जैसे कि यहाँ पर इस दोनों ही रिएक्शन में लेफ्ट साइड में जो रिएक्टेंट लिखे हुए हैं ये कलरलेस हैं, लेफ्ट साइड के रिएक्शन रिएक्टेंट जो है वो क्या है, कलरलेस। राइट साइड में आते ही देखिए आपको एक कलर मिल गया, येल्लो प्रेसिपिटेट या वाइट प्रेसिपिटेट। सो ये किसको यहाँ पर शो कर रहे हैं, ना कि सिर्फ प्रेसिपिटेट वाले कैरेक्टर को, कलर के चेंज को भी यहाँ पर ये शो कर रहे हैं, राइट। वैसे ही रस्टिंग ऑफ आयरन में भी आपने देखा होगा कि ब्राउन इन कलर एंड आयरन इज ग्रेश इन ब्लैक, मतलब आयरन ग्रेश ब्लैक कलर का होता है, लेकिन जैसे ही वो आयरन रस्ट हो जाता है, जैसे ही उसको कोरोजन हो जाता है, जो कि इस चैप्टर के हमारे आखिरी टॉपिक्स में से एक है, कोरोजन रेंसिडिटी से जस्ट पहले। सो कोरोजन अगर हुआ आयरन के साथ, कोरोजन परफॉर्म हुआ, कोरोजन रिएक्शन हुई, करोड़ हो गया आयरन, तो उसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन कह देते हैं, और रस्ट होने के बाद वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है ग्रेश ब्लैक से, कलर का चेंज आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एक केमिकल चेंज है, वो एक केमिकल रिएक्शन हो रही है वहाँ पर परफॉर्म, फाइन। ये चेंज इन कलर का कैरेक्टर ऐसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड चेंज इन कलर के मैक्सिमम एग्जाम्पल सेम भी होते हैं, तो अगर आपको इसका एग्जाम्पल पूछा जाए या इसका पूछा जाए तो आप कॉमन एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं, फाइन। नेक्स्ट दोस्तों, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो अभी थोड़ी देर पहले केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स में हमने लिखा था ZN, राइट, NH2SO4, कैसा H2SO4, डायल्यूटेड फॉर्म का H2SO4। सो ये डायल्यूटेड फॉर्म का H2SO4 जब रिएक्ट करते हैं, तो मैंने आपके लिए रिएक्शन लिखी थी कि आंसर आता है जिंक सल्फेट प्लस H2। सो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये ZN जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है बेटा, यहाँ पर स्टेट मेंशन करने से, किसी भी मॉलिक्यूल की या एटम की स्टेट मेंशन करने से कि किस स्टेट में वो रिएक्ट कर रहा है, उससे रिएक्शन और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनती है। डाइल्यूट H2SO4 एक्वस फॉर्म में होता है, वाटर में इसका डाइल्यूशन होता है, राइट, तो एक्वस लेवल पे होता है, डाइल्यूशन ये बताता है कि इसमें वाटर ज़्यादा है, डाइल्यूशन जैसा शब्द बताता है कि इसमें वाटर ज़्यादा है, फाइन। और जब ये रिएक्ट करते हैं तो एक आता है आपके पास सॉल्यूशन, मतलब लिक्विड फॉर्म में होगा, लेकिन वहीं पर यह चीज़ आती है गैस। गैस ब्रैकेट में जी लिख के भी रिप्रेजेंट किया जाता है, एक और तरीका होता है गैस को रिप्रेजेंट करने का, आप ब्रैकेट में अपवर्ड एरो बना दें। तो देखिए, जैसे डाउनवर्ड एरो किसी सॉलिड के नीचे सेटल डाउन होने को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही किसी भी ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के आगे ये अपवर्ड एरो मेंशन करता है कि ये गैस है जो कि उड़ रही है, राइट, यूनिवर्स में बाहर नेचर में मिल रही है, तो उड़ने वाली चीज़ कौन होती है, गैस। तो डाउनवर्ड एरो जैसे सॉलिड को रिप्रेजेंट करेगा, वैसे अपवर्ड एरो बेटा किसको रिप्रेजेंट करेगा, गैस को। इससे चीज़ें बहुत इन्फॉर्मेटिव बनती हैं। तो इन्होंने क्या लिखा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी एक तरह का कैरेक्टर है केमिकल रिएक्शन का, मतलब अगर आपको पहचानना है कि रिएक्शन केमिकल है या नहीं है, केमिकल रिएक्शन है या नहीं है, फिजिकल चेंज तो नहीं है कहीं, वो केमिकल चेंज है या नहीं है, अगर ये पहचानना है और उसके अंदर गैस इवॉल्व हो रही है रिएक्शन के बाद, तो आप समझ जाइएगा कि वो डेफिनेटली हमारा केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। सेम इसका दूसरा एग्जांपल देखिए, ये एक बहुत फेमस एग्जांपल है जो इस साल आपको बार बार देखने को मिलेगा दोस्तों, बार बार, बहुत तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो इससे जुड़े होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से, फाइन। इस कैल्शियम कार्बोनेट का एक कॉमन नेम भी होता है दोस्तों, लाइमस्टोन, इसी कैल्शियम कार्बोनेट का एक कॉमन नेम है लाइमस्टोन दोस्तों। ये बहुत एक अच्छी रिएक्शन है, बार बार इसका यूज़ देखने को मिलता है हमें, तो कोशिश करिएगा कि इसको अच्छे से सीख लीजिए, एक ही बारी, जो चीज़ बार बार इस्तेमाल होती है उसको पहली बारी में ही बहुत अच्छे से सीख लेना चाहिए ताकि आगे जाके नुकसान ना हो। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं, ये हीट करना बेटा डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज मतलब चीज़ों को तोड़ना, ये एक तरह की टाइप ऑफ रिएक्शन है जो इस चैप्टर में आगे चल के आपको दिखाई देगी। मैं हर बारी जो रिएक्शन यहाँ पर कैरेक्टर्स के कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं
उस एग्जांपल्स में मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अभी भले ही ना समझ में आए, लेकिन आगे जाके इस चैप्टर में सब कुछ ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा काम क्या है यहाँ पर, कैरेक्टर को देखना। कैसे कैरेक्टर को देखना? इवोल्यूशन ऑफ गैस के कैरेक्टर को देखना। किस कैरेक्टर को देखना? इवोल्यूशन ऑफ गैस के कैरेक्टर को देखना। सो इवोल्यूशन ऑफ गैस से हमें पता चला कि यहाँ पर जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो एक तो सॉलिड फॉर्म ही आता है कैल्शियम ऑक्साइड, राइट? लेकिन एक गैसेस फॉर्म भी रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। एरो बना दिया मतलब ये गैस है, फाइन। सो डिकम्पोज होकर ये कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में मिलता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये वाइट पेंट में भी काम आता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाइट पेंट में भी काम आता है दोस्तों, ये भी याद रखिए। ये भी इस्तेमाल होता है, क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ काम आता है, राइट? तो वाइट वॉश के वक्त ये काम में आता है। लाइमस्टोन कहाँ काम में आता है? मार्बल्स के फॉर्म में, फ्लोर मेकिंग में काम में आता है। जो कंस्ट्रक्शन के सामान होते हैं वहाँ पर इसका काम होता है, कंस्ट्रक्शन के साइट्स पर इसका काम होता है, राइट? तो कौन सी चीज़ का कॉमन नाम क्या है या फिर वो कहाँ इस्तेमाल होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस, सॉरी, इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो ये भी एक ऐसा एग्जांपल है जो इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल है, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, सो आप किसी भी सॉलिड वैक्स या फिर पेट्रोल, किसी भी सॉलिड वैक्स या फिर पेट्रोल या फिर मैं यूँ कहूँगा कि कोई भी हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन। देखो अब ये ऐसी एक नॉलेज है, ये हम उस मोड पे खड़े हैं जहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा थोड़ी देर पहले जो मैंने बोला था कि जब आप केमिकल रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको एसिड बेसिस सॉल्व्स में जब वो चीज़ें दोबारा दिखाई देती हैं तो आपकी रिवीजन होती है दोस्तों, उसको आप पहली बार ही नहीं पढ़ रहे हैं। फिर एसिड बेसिस सॉल्व्स में जो आप पढ़ लेते हैं उसको अगर आप दोबारा देखते हैं मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में तो वो आपका रिवीजन की तरह काम करता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वो कोई नया टॉपिक है। और ऐसे ही ये केमिस्ट्री चलती जाती है इस पूरे साल। तो देखिए इस चीज़ का जो हमें एग्जांपल मिलेगा अभी जस्ट देने वाला हूँ मैं आपको, देखिए चेंज इन स्टेट में जिसका ये एग्जांपल दे रहे हैं, इस एक ऐसी रिएक्शंस का एग्जांपल दे रहे हैं ये यहाँ पर। जिस रिएक्शन को जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो मैंने खाली सॉलिड वैक्स और पेट्रोल नहीं लिखा, मैंने इस सॉलिड वैक्स और पेट्रोल के आगे एक और शब्द लिख दिया या फिर कोई भी हाइड्रोकार्बन चलेगा, या फिर कोई भी हाइड्रोकार्बन चलेगा। इस तरीके के किसी भी हाइड्रोकार्बन को, इस तरीके के किसी भी हाइड्रोकार्बन को दोस्तों जब आप हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब आप इसे हीट करते हैं तो इन सब का आंसर कॉमन है दोस्तों। इन सब का आंसर क्या है? कॉमन। चाहे सॉलिड वैक्स हो या पेट्रोल है, ये एक तरह के हाइड्रोकार्बन है या किसी भी और हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल लें, तो इन सब का आंसर सेम है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट होने के बाद। ये सब लोग कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैस एंड वाटर वेपर देते हैं, एंड वाटर वेपर देते हैं वो भी गैसेस फॉर्म में, मतलब वाटर वेपर भी उड़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उड़ जाती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने आपको सिखाया चेंज इन स्टेट एक कैरेक्टर है, चेंज इन स्टेट एक कैरेक्टर है किस चीज़ को पहचानने के लिए कि रिएक्शन केमिकल है या नहीं है। सॉलिड वैक्स सॉलिड फॉर्म में होता है, पेट्रोल लिक्विड फॉर्म में होता है, या डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोकार्बन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इन सबको हीट करने पर एक ही चीज़ कंप्लीट करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और दोनों ही दोनों गैसेस फॉर्म में, ये सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म में, ये जो प्रोडक्ट है वो गैसेस फॉर्म में है। इससे ये पता चलता है कि स्टेट में चेंज आया है, सॉलिड लिक्विड गैस जो स्टेट्स होती हैं मैटर की उसमें चेंज आया है। ये चेंज भी हमें बताता है, स्टेट का चेंज भी हमें बताता है कि एक तरह का नया सब्सटेंस है जिसकी एक कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, राइट? अब जो बात मैंने इसको समझाने से पहले शुरू करी थी उसको कम्प्लीट करता हूँ। अगर आपने ये आज यहाँ पढ़ लिया और आपके दिमाग में ये बात रह गई तो देखिएगा आगे चल के कैरेक्टर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या केमिकल रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जब आएंगे तो सबसे पहले रिएक्शन जो आपको मिलेगी दोस्तों वो मिलेगी कंबर्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। कंबर्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन आप वहाँ पढ़ेंगे और यही रिएक्शन पढ़ेंगे, और वहाँ पढ़ के आप बताइए आपको कैसा फील आएगा। आपको ऐसा फील आएगा कि वो आप पहली बार ही सुन रहे हैं, या इसी चैप्टर में इसी एग्जांपल के माध्यम से आज आपने ये चीज़ सीख ली कि हमेशा किसी भी तरीके का हाइड्रोकार्बन को हीटअप करो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करें, हीटअप करें। ये डेल्टा साइन बनता है बेटा एरो के ऊपर, हीट करने के बाद हीटअप करेंगे तो एक ही टाइप का आपको आंसर मिलने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर दोनों ही गैसेस फॉर्म में। ये चीज़ अगर आपने आज यहाँ सीख ली तो जब मैं आपको कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ाऊंगा और उस कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर के अंदर मैं आपको कंबर्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एक रिएक्शन का फॉर्म सिखाऊंगा, तो वहाँ पर आपको पहली बार ही नहीं सुनेंगे,
वो वहाँ पर आप बहुत बारी गुजर चुके होंगे उस रिएक्शन से, तो वो आपके वहाँ पर पहला टॉपिक नहीं होगा, वो वहाँ पर आपके उसी पढ़े हुए टॉपिक्स का क्या होगा, रिवीजन, क्या होगा वो वहाँ पर, रिवीजन। फाइन, ये था चेंज इन स्टेट के एग्जांपल से जो मैं आपको बताना चाहता था अपनी कही हुई बात। नाउ नेक्स्ट जो है बेटा वो है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। सो टेम्परेचर में एक अच्छा खासा अमाउंट का चेंज आना, वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन बताया गया है, टेम्परेचर में चेंज आना अच्छे खासे अमाउंट का, बिना किसी अच्छे खासे अमाउंट का, तो प्लीज़ उसमें अपने वाटर और आइस को मत लेके आ जाएगा। वाटर 2 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस पे अवेलेबल होता है, आइस -1 डिग्री सेल्सियस पे अवेलेबल होती है, वहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर महज 4-5 डिग्री सेल्सियस के बाद ही आपके टेम्परेचर में चेंज आपको दिखाई देता है, तो उसको केमिकल रिएक्शन मत कहिएगा। यहाँ पर मैं अच्छे खासे एक एडिक्वेट अमाउंट के टेम्परेचर के चेंज की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये चेंज कैसा हो सकता है दोस्तों, ये चेंज दो तरीके का होगा। पहला, या तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, या तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, या टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया, या फिर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया। अब इंक्रीज़ या डिक्रीज़ दोनों को ही चेंज माना जाता है, तो यहाँ पर उसके दो नाम हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, राइट, मतलब रिएक्टेंट में उतना टेम्परेचर नहीं दिया था आपने, लेकिन प्रोडक्ट में आपको बहुत सारा हीट दिखाई दिया, हीट इवॉल्व दिखाई दिया आपको, तो आप उस इंक्रीज इन टेम्परेचर को कहते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब ऐसी हर वो रिएक्शन जिसके रिएक्टेंट में तो उतना टेम्परेचर नहीं था, लेकिन रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट में बहुत टेम्परेचर दिखा, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि जिंक एंड H2SO4, जनरली उतने आपको हीटअप दिखें या ना दिखें, लेकिन जैसे ही आप इसको हीट, मतलब जैसे ही इनको रिएक्ट कराएंगे, वैसे ही ZnSO4 प्लस H2 गैस के साथ साथ बहुत सारी आपको हीट दिखाई देगी। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म होती है हीट एनर्जी, जो हमें प्रोडक्ट में मेंशन करनी पड़ती है। और प्रोडक्ट में करने का मतलब क्या है कि पहले तो इतनी हीट नहीं थी, लेकिन प्रोडक्ट में हीट मिल गई, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, और टेम्परेचर के इंक्रीज़ वाले चेंज को हम लोग यहाँ पर कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं उसे हम यहाँ पर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फाइन, वैसे मैक्सिमम ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, अब ये नाम आप पहली बार ही सुन रहे हैं, आगे चल के बार बार सुनेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस का ये पार्ट है, अभी चैप्टर में मैंने नहीं कराया है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में एक रिएक्शन का नाम, जैसे अभी मैंने सिखाया था आपको कंबर्शन एक टाइप का है, या फिर एडिशन होता है, या डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, वैसे यहाँ पर टाइप ऑफ एक रिएक्शन है, टाइप ऑफ रिएक्शन, जैसे यहाँ मैंने सिखाया था डिकम्पोजिशन शब्द, वैसे मैं सिखा रहा हूँ टाइप ऑफ रिएक्शन एक डिस्प्लेसमेंट। जनरली अधिकतर ये महसूस किया गया है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही होती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही होती हैं, या फिर यूँ कहूँ किसी भी मेटल को किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट कराना, कोई भी मेटल, ऑफकोर्स वो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम जैसे मेटल्स नहीं होने चाहिए, या मर्करी जैसे मेटल नहीं होना चाहिए। अब मैंने इनको एक्सक्लूड क्यों किया, इसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आगे दूंगा, बट इनको छोड़ के बाकी कोई भी मेटल किसी भी जनरल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन को ही परफॉर्म करेगा। फाइन, वैसे ही देखते हैं एंडोथर्मिक, तो किसी भी तरीके के डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आप चीज़ों को तोड़ रहे हैं। देखिए इधर कैल्शियम कार्बोनेट अकेली चीज़ थी, आपने इसको हीट किया, आपने इसको तोड़ा, ये इसमें बढ़ गई, तो किसी भी चीज़ में जब आप तोड़ते हैं तो आपको हीट देनी पड़ती है, रिएक्टेंट में हीट देनी पड़ती है। तो यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बट मैं आपको यहाँ पर इसका भी एग्जांपल दे सकता हूँ दोबारा से, कि कैल्शियम कार्बोनेट जैसी रिएक्शन जिसको आपने हीटअप किया और आपको कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिला। फाइन, ये भी एक तरह का एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो मींस जिसमें आपने हीट दी, मतलब टेम्परेचर रिएक्टेंट को दिया, लेकिन प्रोडक्ट के पास उतना टेम्परेचर हमें दिखाई नहीं दिया, उतनी हीट नहीं दिखाई दी, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक। एंडो मींस इनटेक ऑफ हीट बाय रिएक्टेंट, एक्सो मींस आउटफ्लो ऑफ हीट बाय प्रोडक्ट। एंडो इज इनटेक ऑफ हीट बाय रिएक्टेंट, एक्सोथर्मिक मींस आउटफ्लो ऑफ हीट विद प्रोडक्ट्स। समझ गए आप लोग, जब हीट आपको रिएक्टेंट में दिखाई देगी तब उसको आप एंडोथर्मिक कहते हैं, इनटेक ऑफ हीट कहते हैं, जब हीट आपको प्रोडक्ट्स में दिखाई देगी तब आप उसका एग्जॉस्ट बोलते हैं कि हीट एग्जॉस्ट हो रही है, हीट रिलीज हो रही है प्रोडक्ट में जब दिखाएगी, तो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे चल के जब आप टाइप ऑफ रिएक्शन सीखेंगे, चीज़ों में और आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो आप बड़ी आसानी से पहचान पाएंगे कि कौन सी रिएक्शन एंडो है और कौन सी रिएक्शन एक्सो। चेंज इन टेम्परेचर में इंक्रीज वाला टेम्परेचर
और डिक्रीज वाला टेम्परेचर, दोनों को ही हम क्या मानते हैं, चेंज इन टेम्परेचर की कैरेक्टर मानते हैं, जिस कैरेक्टर के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं है, ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। फाइन, सो ये टॉपिक था आपके कैरेक्टर्स के ऊपर, हाउ टू कैरेक्टराइज और हाउ टू सी अ सर्टेन कैरेक्टर्स इन ऑर्डर टू जस्टिफाई वेदर द रिएक्शन इज केमिकल और नॉट, वेदर इट्स अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज। फाइन, अब हमारा काम है किसी भी रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखना सीखना, और इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के बाद उस पर्टिकुलर रिएक्शन को बैलेंस करना। लेकिन बैलेंसिंग एक अपने आप में कम्प्लीटली वास्ट टॉपिक है, समझने में समय लगेगा आपको बैलेंसिंग, क्योंकि ये पहली बार ही है जब आप किसी रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास पे फॉरवर्ड कर देता हूँ कि बैलेंसिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। लेकिन इस क्लास में कुछ ऐसा है अभी बचा हुआ जो हम सीख सकते हैं, इस क्लास का यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को सीखने में। एक सवाल कि आखिर बैलेंसिंग करनी क्यों है, आखिर बैलेंसिंग हमें करनी क्यों है, करने से पहले ये सीख लेते हैं कि बैलेंसिंग करने से फ़ायदा क्या होता है। फाइन, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, हम किसी भी इक्वेशन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, हम किसी भी इक्वेशन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, हम ये भी इस क्लास में सीख लेते हैं। ये दो बातें हम इस क्लास में सीखेंगे एंड इस टॉपिक को हम यहीं पर रोक देंगे, बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फाइन, इन चीज़ों को सीखते हैं। सो देखिए, हमें बैलेंसिंग करनी क्यों है। यहाँ पर है इन्फॉर्मेशन गिवन बाय अ बैलेंस्ड इक्वेशन। जब एक इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाती है, एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाती है, तो हमें उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती हैं वो हम देखेंगे। बट उससे पहले मैं आपसे फिर पूछता हूँ कि क्या आपने इस लेक्चर में ये ध्यान से सुना था कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है। केमिकल इक्वेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, एटॉमिक सिंबल्स, उनके सबस्क्रिप्ट में कुछ नंबर्स के कितने मॉलिक्यूल्स और कितने एटम्स यूज़ हो रहे हैं, उनको रिएक्टेंट के फॉर्म में मतलब ऐड होते हुए दिखाएं कि ये चीज़ें रिएक्ट हो रही हैं, एरो मींस कि उसके बाद मिलेगा क्या, और फिर प्रोडक्ट में भी वही मॉलिक्यूलर फार्मूलाज के फॉर्म में चीज़ें दिखाएं या सिंबल्स के फॉर्म में विद नंबर्स दिखाएं। इस पूरे वे को, रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। अब बात करते हैं कि अगर उस दी हुई इक्वेशन को अगर हम बैलेंस्ड कर दें, अगर हम दी हुई इक्वेशन को बैलेंस कर दें तो फॉर मतलब किस पर्पस के लिए हम बैलेंस करते हैं, राइट? हमें वो सीखना है कि दी हुई इक्वेशन को हम किस पर्पस के लिए बैलेंस करते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स दैट टेक पार्ट्स इन द रिएक्शन। हमें सबसे पहली इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि एग्जैक्टली इस तरीके की रिएक्शन परफॉर्म कराने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए रिएक्टेंट्स के, और उससे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट जो भी बन रहा है उसके कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन ये मिलती है। एंड आपको पता है, जैसे ही रोल प्ले होता है मॉलिक्यूल्स का, वैसे ही रोल प्ले करने लग जाता है मोल। मोल कॉन्सेप्ट लास्ट ईयर याद होगा, वन मोल इज इक्वल्स टू व्हाट, वन मोल इज इक्वल्स टू 6.022 × 10⁻³ मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। लेकिन अगर एटम की बात हो रही है तो वहीं पर वो वन मोल भी 6.022 × 10⁻³ एटम्स बोल देता था। मतलब वन मोल का नंबर तो फिक्स है 6.022 × 10⁻³, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। बट अगर ये मोल बात हो रही है मॉलिक्यूल की, अ मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल, तो इतना ही नंबर 6.022 × 10⁻³ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। और अगर बात हो रही है अ मोल ऑफ एन एटम, तो यही नंबर 6.022 × 10⁻³ एटम्स हो जाएंगे। फाइन, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं अभी, तो मैंने मॉलिक्यूल बोल दिया। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर पता चल जाते हैं आपको, तो नंबर ऑफ मोल्स भी पता चल जाएंगे आपको कि उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितने मोल्स पार्ट ले रहे हैं। फाइन, मास बाय मास रिलेशन पता चलता है, मतलब रिलेटिव मास कितना रिएक्टेंट का है, कितना प्रोडक्ट का है, कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर वॉल्यूम वॉल्यूम का रिलेशन है, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम फॉलो हो रही है नहीं हो रही है। यहाँ पर मास वॉल्यूम का रिलेशन है। फाइन, ये रिलेशन जो है मास मास, वॉल्यूम वॉल्यूम एंड मास वॉल्यूम, ये रिलेशन आप याद करिए, आप अपने 9th स्टैंडर्ड में कॉन्सेंट्रेशन लेवल पर ये चीज़ें करके आ चुके हैं, राइट? मास के रिलेशंस कैसे देखते हैं, वॉल्यूम्स के रिलेशन कैसे देखते हैं, या मास एंड वॉल्यूम का रिलेशन कैसे देखते हैं। वैसे यही रिलेशंस आप 11th स्टैंडर्ड में भी मोलारिटी, मोलालिटी, इस सब के फॉर्मेट में पढ़ेंगे। इसके ऊपर हो सकता है हम इस साल थोड़ा डिस्कशन करें एसिड बेसिस सॉल्व्स में, बहुत थोड़ा सा, बट ज़्यादा मैं इसके बारे में नहीं बात करूँगा। ये नेक्स्ट ईयर का टॉपिक है, 11th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री का टॉपिक है, पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, मोल कॉन्सेप्ट्स। फाइन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशन से।
किसी भी बैलेंस इक्वेशन से ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, वंस अगर इक्वेशन बैलेंस हो जाती है, फाइन। अब हमें ये देखना है कि कैसे हम केमिकल इक्वेशंस को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकें। लिमिटेशंस ऐसी क्या हैं जिनको अगर हम दूर कर दें तो केमिकल इक्वेशन जो है, केमिकल रिएक्शन जो है, वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बने। तो सबसे पहली देखिए फिजिकल स्टेट को मेंशन करना। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ब्रैकेट में हम कुछ कुछ चीज़ें मेंशन करते हैं, तो अगर एस मेंशन करते हैं स्मॉल एस तो इसका मतलब होता है सॉलिड, यहाँ कैपिटल हो गया, आप इसको स्मॉल कर लीजिएगा। एल मेंशन करते हैं मतलब हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, जी मेंशन करते हैं मतलब हम गैस की बात कर रहे हैं, ए क्यू मेंशन करते हैं इसका मतलब ये सॉल्यूशन वाटर में प्रिपेयर हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है वाटर में प्रिपेयर हुआ है, फाइन। ये अगर हम ब्रैकेट में एस एल जी ए क्यू जैसे टर्म्स लिखेंगे, इससे हमें उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का फिजिकल स्टेट पता चलेगा कि किस स्टेट में ये रिएक्शन मुमकिन है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एक सॉल्यूशन के फॉर्म में अगर ना हो, मतलब एन ए सी एल एन ए क्यू एन ओ थ्री, अगर इनके ब्रैकेट में सॉल्यूशन की जगह एस एस लिख दूँ मैं, दे विल नॉट रिएक्ट। फॉर्म में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मुमकिन नहीं है, इस लेवल पे वो मुमकिन है, फाइन। सो सॉलिड फॉर्म में ये रिएक्ट नहीं करेंगे, बट जैसे ही यहाँ पर एक्वस आएगा, जैसे ही यहाँ पर ए क्यू आ जाएगा, जैसे ही यहाँ पर ए क्यू आ जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि ये रिएक्ट अप कर सकते हैं। इसी से इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें रिएक्शन के बारे में कि रिएक्शन किस तरीके से एक्ट करेगी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, फाइन। तो फिजिकल स्टेट मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड चीज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड को भी मेंशन करना ज़रूरी है। अब देखिए ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड आपके कहाँ काम में आएगा, मैं आज ही आपको बताता हूँ। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बाद डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स करते हुए हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पहुंचेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में एक रिएक्शन होती है, यहां मैं लिख रहा हूं अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में। अल्कोहल ग्रुप से कोई आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से कोई उठ के आता है, फाइन। और एक रिएक्शन होती है एस्टर एंड लेट्स से वाटर के बीच में। अब ये दोनों ही रिएक्शंस एक दूसरे की रिवर्स है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ मेंशन होती है। अब वो मेंशन होने वाली चीज के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि कंडीशंस क्या होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए वो मेंशन होने वाली चीज के लिए, इस सेकेंड पॉइंट को समझने के लिए पहले आपको फोर्थ पॉइंट समझना पड़ेगा। कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर रिएक्शन रोल प्ले करता है। अगर वो कंडीशंस आप मेंशन करेंगे तो ही एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ऐसी रिएक्शन किसके अंडर परफॉर्म कर रही है। जैसे कि ये रिएक्शन देखिए नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में है, जिसमें आपने यहाँ पर ऊपर मेंशन कराया है रूम में 500 डिग्री सेल्सियस 200 ATM, मतलब 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसी के बीच में ये दे सकता है हमें अमोनिया। सिमिलरली हम डेल्टा जैसा शब्द यूज़ करते हैं, डेल्टा जैसा शब्द जो होता है वो हीट के लिए होता है। सिमिलरली हम ऊपर सनलाइट जैसे शब्द भी यूज़ करते हैं कि ये सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन। वैसे ही एक और चीज़ मेंशन करते हैं हम एरो के ऊपर, जिसको हम कहते हैं बेटा कैटलिस्ट। क्या कहते हैं? कैटलिस्ट। मैं यहाँ पर वो कैटलिस्ट मेंशन कर रहा हूँ किसी के प्रेजेंस में, जिसके प्रेजेंस में ये होता है रिएक्शन। यहाँ देखिए मैं लिखने वाला हूँ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जिससे ये एस्टर और वाटर में बदलेगा। लेकिन जब इसी एस्टर और वाटर से आपको वापस चाहिए होगा अल्कोहल या वापस चाहिए होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ जाएगा डाइल्यूटेड H2SO4। तो देखिए बहुत फर्क पड़ता है कि एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है या एसिड डाइल्यूटेड है। अगर एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है तो ये तरीके की रिएक्शन मुमकिन है, और एसिड डाइल्यूटेड है तो इस तरीके की रिएक्शन मुमकिन है। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड होता क्या है, यही है सेकेंड पॉइंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड मेंशन करना कि ये रिएक्शन में पर्टिकुलर एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है। व्हाट डू मीन बाय कॉन्सेंट्रेशन? मतलब उस एसिड में वाटर की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है, वाटर का जो प्रपोर्शन है वो अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो डाइल्यूटेड कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? डाइल्यूटेड। ऐसा एसिड उतना खतरनाक नहीं होता है जिसमें एसिड कम और वाटर ज़्यादा है, बट ऐसा एसिड जिसके आगे डाइल्यूटेड ना लगाओ, जिसके पीछे कॉन्सेंट्रेटेड लगा हो, तो कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब हो जाता है इसमें एसिड ज़्यादा है और वाटर कम, एसिड ज़्यादा है और वाटर कम। सो कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं दोस्तों
जो कि डाइल्यूटेड एसिड के साथ ही मतलब फॉर्म होती हैं, डाइल्यूटेड एसिड के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शंस अकर होती हैं, वेराज कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ही अकर हो सकती हैं। तो इन रिएक्शंस को यहाँ पर जो लिखी हैं ये बेटा रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस जब एग्जांपल्स मिलते हैं, कैरेक्टर्स में भी मिले थे आपको एग्जांपल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में भी हर कैरेक्टर के आगे मैंने एग्जांपल में रिएक्शन लिखी थी, वैसे ही देखिए यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, रिएक्शंस लिखी हुई हैं, इनको अभी यहीं लर्न कर लीजिए, ये काम में आने वाले हैं बहुत, जगह जगह ये रिएक्शंस यूज़ होती हैं। फाइन, कॉन्सेंट्रेशन के बाद आपको ये भी बताना होना चाहिए कि हीट का एक्सचेंज कैसा होगा, ये भी इन्फॉर्मेटिव बनाती है उस रिएक्शन को, उसकी नॉलेज बढ़ाती है। हीट एक्सचेंज मतलब कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, ये मेंशन करने का तरीका है। अगर वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है आपको पता है तो आप अपने प्रोडक्ट में हीट लिखिए, और अगर वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो आप अपने रिएक्टेंट में हीट लिखिए। मतलब एंडोथर्मिक है तो हीट का एंडो इनटेक होगा, इनटेक होगा तो रिएक्टेंट की साइड लिखिए, एक्सोथर्मिक है तो मतलब हीट रिलीज होगी, रिलीज होगी तो प्रोडक्ट की साइड लिखिए। ऐसा हीट शब्द रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साथ ऐड करके लिखने से हमें पता चल जाता है कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक, और ये हमारे उस रिएक्शन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाता है, क्योंकि इसका मोटिव है इन्फॉर्मेटिव बनाना रिएक्शन को। कंडीशंस मैंने आपको बताई दी हैं, एरो के ऊपर लिखी जाती हैं, कंडीशंस में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। टेम्परेचर लिखा जाता है, प्रेशर लिखा जाता है, सनलाइट जैसी चीज़ें लिखी जाती हैं, डेल्टा जैसे वर्ड यूज़ भी किए जाते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में होती है तो सनलाइट वर्ड ये लिखा जाता है, डेल्टा अगर होता है तो बेटा मतलब हीट है, ये कैटलिस्ट मेंशन किया जाता है, राइट। कैटलिस्ट में जैसे कि मैं आपको एक रिएक्शन लिखता हूँ यहाँ पर, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को अगर आप हीट करते हैं, राइट, तो ये पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज होता है। बट एक चीज़ है जो इसमें आपको मेंशन करनी चाहिए, कैटलिस्ट दैट इज ये वाला काम, वो सिर्फ और सिर्फ मैंगनीज ऑक्साइड, ब्लैक सब्सटेंस मैंगनीज ऑक्साइड के MnO के प्रेजेंस में ही करता है, मैंगनीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में ही करता है। तो यहाँ पर मैंगनीज ऑक्साइड इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। फाइन, सो ये चीज़ें होती हैं, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज आपको मेंशन करते हैं अगर आप एरो पे, तो वो एज अ कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं। व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट रिएक्शन का रेट को ऑल्टर करता है। व्हाट डू मीन बाय रेट ऑल्टर करना? रेट जब भी शब्द आता है बेटा साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, रेट का मतलब होता है कि वी नीड टू डील विद टाइम। तो अगर मैं कह रहा हूँ रेट ऑल्टर करता है केमिकल रिएक्शन का, इसका मतलब है टाइम को चेंज करता है केमिकल रिएक्शन के होने की, मतलब उस रिएक्शन को या तो फास्ट करता है या स्लो करता है। दोनों ही सूरतों में कैटलिस्ट का ये काम है कि रिएक्शन को वो फास्ट करे या स्लो करे, रेट को ऑल्टर करता है कैटलिस्ट दोस्तों, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि हमें बैलेंस करना क्यों है। अभी हमने बैलेंस इक्वेशन नहीं सीखे, बैलेंसिंग हमने नहीं सीखी है, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर का काम है, हम बैलेंसिंग सीखेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया कि कैसे किसी रिएक्शन को आप इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, इन पॉइंट्स का ध्यान रख के आप उस रिएक्शन को इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। फाइन, सो बैलेंसिंग पे हम नेक्स्ट क्लास में काम करेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चंस के ऊपर काम करेंगे। टिल देन आप इतना पढ़िए और इतनी चीज़ें अपने असाइनमेंट से लर्न करिए, सो दैट नेक्स्ट क्लास आपको और अच्छे से समझ में आए। एंड जो भी आप ऐसा लिख रहे हैं, जो भी लर्न कर रहे हैं, जो भी कैरेक्टर्स लर्न कर रहे हैं, उनके एग्जांपल्स लर्न कर रहे हैं, एग्जांपल्स की रिएक्शंस लिख रहे हैं जो मेरे इस वीडियो से देख के, या इस वाले इंपॉर्टेंस की जो रिएक्शंस हैं ये कैरेक्टर्स लर्न करके इनकी रिएक्शंस लिख रहे हैं, इन सबको आपको बेटा लिखने की ज़रूरत है। बिना लिखे काम नहीं होगा, आप लिख के चीज़ें अपडेट करिए मुझे, तभी आगे काम होगा। जैसा कि मैंने कहा, इस चैप्टर में अच्छे से ध्यान दिया तो आगे वाला चैप्टर थोड़ा आसान लगेगा, उस चैप्टर में अच्छे से ध्यान दिया तो आगे वाला चैप्टर और आसान लगेगा, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चीज़ें रिपीट होंगी। जब चीज़ें रिपीट होंगी तो वो सीखने में और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि वो पहले से ही सीखी सिखाई होंगी, वो एक तरह से रिवीजन का रोल प्ले करेगा। और वहीं पर आपका ही कोई ऐसा क्लासमेट जिसने अगर ढंग से पढ़ाई नहीं करी होगी केमिकल रिएक्शन में, एसिड बेसिस सॉल्ट्स में, तो आप उसको मेटल नॉन मेटल में बहुत उलझते हुए देखेंगे। आप उसको ये कहते हुए बार बार पाएंगे कि मेटल नॉन मेटल में बहुत रिएक्शंस हैं, जबकि आपको वही रिएक्शंस बहुत नहीं लगेंगे, आपको गिनी चुनी रिएक्शंस लगेंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि ये रिएक्शन कहाँ से आई हैं, आपने पहले ही सारी चीज़ें सीख ली होंगी। तो आप अगर अपनी लाइफ आसान करना चाहते हैं तो आज से केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के साथ पेन एंड पेपर पे वर्क करना शुरू कर दीजिए, सो दैट आपको आगे चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए, 10th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री आपके लिए आसान हो जाए, और मार्क्स को गेन करने के लायक बनाइए इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को। फाइन, अपने लिए प्रॉब्लम मत पैदा करिएगा। इसमें मैंने कुछ कुछ चीज़ें मेंशन करी हैं, उन पर भी ध्यान दीजिएगा। बैलेंसिंग मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा, लेकिन रिएक्शन को लिखना और बैलेंस करने से पहले फॉर्मूला बनाने आना चाहिए।
फॉर्मूले के लिए आपके पास 9th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी के अंदर एक बॉक्स है गिवन कैटाइंस एंड एनायंस का, उनको लर्न करिए, क्योंकि जब तक फॉर्मूला ही नहीं बना पाएंगे, रिएक्शन को लिख ही नहीं पाएंगे, तो बैलेंस करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। एक इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला मेकिंग वगैरह पे। दूसरी चीज़ जो बेसिक केमिस्ट्री में हमने किया था वो सब कुछ अपने रिविजन में रखिएगा बार बार, क्योंकि वो चीज़ें बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं, उनको बार बार रिकॉल करते रहिएगा ताकि आपके वक्त आने पर वो चीज़ें काम में आए। फाइन, थैंक यू फॉर द क्लास।